ईद का दूसरा दिन और वैसे ही बोरिंग जैसे हर ईद तो होता है। ईद का पहला दिन चलो फिर अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि उसमें बंदा का सही बन जाता है, बोटी शोटी बनाता है, दिन गुजर जाता है, टाइम गुजर जाता है, बंदा थक जाता है, सो जाता है। लेकिन दूसरा दिन आम रूटीन की तरह बहुत बिजी गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ शाजिल, और ये मेरे चैनल का पहला व्लॉग है। कुछ नहीं पता क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या टॉपिक रखना है, कुछ भी नहीं पता। बस इतना है कि कैमरा सामने रख दिया, कैमरा और आके बैठ गई है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। इनफैक्ट इक्विपमेंट भी पूरे नहीं है। और बाय द वे आपको बता दूँ, मेरे इस रूम की भी रेनोवेशन बिल्कुल नहीं हुई हुई, क्योंकि हम सारी फैमिली रहते हैं नीचे वाले पोर्शन में। ऊपर सिर्फ मैंने एक अपना एक छोटा सा स्टूडियो टाइप बनाया हुआ है। ये कैमरा ये इस अलमारी में होता है, ये साथ में अलमारी है, और वो पीछे पीसी पड़ा हुआ है। वहाँ पे आके मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, या अपनी कोई भी शूट वगैरह जो करके आऊँ उसकी वीडियोग्राफी वगैरह करता हूँ। सीन ऐसा है कि पहले मैंने 50 सब्सक्राइबर का मैंने टारगेट रखा था कि भाई पहले 50 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं व्लॉग अपलोड करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब आप पहले यही बात है कि जहन में व्लॉग क्यों बनाना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, यूट्यूब पर कदम रखा है तो हर यूट्यूबर की तरह ये चीज़ भी ट्राई करनी थी, शौक था कि चलो यार ये भी देखें। उसके बाद आपके इरफान जुनेजियो साहब को देख लें तो उसके बाद तो कहते हैं भाई व्लॉग ही सब कुछ है, ना इंजीनियर ना डॉक्टर ना कुछ और, व्लॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है। बहरहाल मजाक से हट के मैंने 50 सब्सक्राइबर का मैंने टारगेट रखा था, जिसमें मेरे 73 सब्सक्राइबर इतने बूस्ट आप लोगों ने मेरी वीडियो पे दिया कि आई वाज लाइक बूम। तो कोई गलती कोताही हो यार व्लॉग में तो जाने देना, क्योंकि लड़के का पहला व्लॉग है यार। खैर है, कोई बात नहीं। ईद का दूसरा दिन है, ऐसी बात है बारबेक्यू पार्टी तो पीछे रह नहीं सकती, तो वही अरेंज किया है, मसाला मैंने लगा दिया उसको, तो चलें फिर वही देखते हैं क्या हिसाब है। ये क्या कर रहे हो उधर से? हमने आज रात को बारबेक्यू करना, तो उसके लिए तैयारियां हो रही। भाई व्लॉग मैं शूट करूँ, आप नहीं कर रहे, ठीक है यार। अच्छा क्या ये है, क्या वैसे ये कोयले जिनको अभी मैं चार क्या करने लगा खराब करने होंगे। तो ये अब मीडिया इनकोडर खोल गया है और व्लॉग के लिए एक नया इंट्रो तैयार हो चुका है, जो बस अब रेंडरिंग के लिए मैंने लगाना है। रात को मैं इतना सख्त थक गया था कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि यार मैं अपना व्लॉग एंड भी कर सकूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब के कोयले पड़ गए थे कम और बोटियां पड़ गई थी ज़्यादा, और मेरा टारगेट ये था कि मैं उन्हीं कम कोयलों पे सारी बोटियां करूं। अभी टाइम हो रहा है 11, सुबह के 11 बज चुके हैं, और बाद मेरे गिले इसलिए क्योंकि मैं अभी नहा के निकलूं, बिल्कुल अभी नहा के निकलूं, जाके अब नाश्ता करूँगा और फिर इस व्लॉग की मैं एडिटिंग करूँगा। तो फिर मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दें, और कोई गलती वगैरह होगी हो तो यार जाने देना यार, पहला व्लॉग है, इतना मुझे नहीं पता क्या करना है किस तरह करना है। हो सकता है इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम पड़ जाए, बट इंशाल्लाह अगर ये व्लॉग अच्छा लगा, कोई इस पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं फर्दर इस पर काम करके तो इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा कर दूँगा। अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सब कुछ।